अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चॉइस फॉर फूडी। आज मैं मौजूद हूँ हैदराबाद का जो कि एक मेन बाज़ार है, एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार, उसको जो शाही बाज़ार के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर आए थे, हमने सोचा कि यहाँ पे क्या क्या खाने की चीज़ मिलती है वो देखें। तो यहाँ पे एक चपली बन कबाब मिल रहे थे, आपने पहले भी हमारी वीडियो दी हुई चपली कबाब की, बट वो जस्ट चपली कबाब थे, वो पठानों के स्टाइल के एक उनका एक जो जिस तरीके से वो बनाते थे वो उस अलग ही स्टाइल में था, बट ये बन कबाब है, चपली बन कबाब। तो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है, ताकि आप लोग भी यहाँ ज़रूर खाएं, क्योंकि फूड के बारे में, अच्छे अच्छे खानों के बारे में आप लोगों को बताना या एक्सप्लोर करना ये हमारा काम है। तो अभी मैं इस बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ, क्योंकि बहुत यहाँ पे हलचल मची हुई है, बहुत रश है। तो अब मैं यहाँ का टेस्ट करूँगा कबाब, फिर आपको बताऊँगा। तो फिर चले चलते हैं। तो भाई जैसे कि आपको बताया, हर वीडियो की तरह हम पहले पब्लिक रिव्यू लेते हैं, तो अब मैं पब्लिक का रिव्यू लूँगा, उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा। मेरे साथ मौजूद है ये मेरा छोटा भाई उमर, क्या नाम है आपका? उमर ही नाम है ना। अच्छा ये बताओ क्या खाने आए हो यहाँ पे? बन और ये कबाब खाने के। कबाब खाने आए? कौन सा कबाब? चपली कबाब। चपली कबाब, नाम नहीं पता इसका। अच्छा नाम नहीं पता। अच्छा यहाँ क्या अच्छा लगता है कबाब में? कबाब में ये क्रिस्पी भी बहुत है और मिर्ची भी इसमें अच्छी, मिर्ची भी अच्छी है। ये सब अच्छा, स्पाइसी अच्छा लगता है या नॉन स्पाइसी? स्पाइसी ज़्यादा अच्छा, स्पाइसी अच्छा लगता है। तो ये चटनी के साथ खाते हो या बन के साथ? बन के साथ, तो चटनी साथ मिक्स करके, मिक्स करके खाते हो। तो और कोई खास बात बताओ जिससे जो है टेस्ट आपको और अच्छा लगता हो कि भाई ये चीज़ अच्छी है इस कबाब में? गरम 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 जब होती है तो बन भी गरम होता है और कबाब भी गरम होता है, तो फिर वो एक अलग ही मज़ा आता है। कितने टाइम से आ रहे हो अंकल के पास आप? मैं तो आया हूँ काफ़ी बार, लेकिन मैं पहले यहीं पर रहता था तो आता रहता था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाद आया। काफ़ी टाइम बाद। तो अभी मेरे से अंकल से मैं पूछता हूँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो 15 साल से आ रहा हूँ। 15 साल से आ रहे हैं आप। तो अंकल ये कबाब में क्या खास बात है और क्या क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? सफाई बहुत अच्छी है। सफाई, इन्वायरमेंट कैसा लगता है आपको? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, आप ऑयल देखें इनका जी, कबाब देखें, साइज भी वो अच्छा है, पैसे भी बना चाहिए, रेट भी अच्छा है। अच्छा ये बताएं स्पाइसी ज़्यादा अच्छा है नॉन स्पाइसी, आप कौन सा खाते हैं? स्पाइसी खाते हैं। स्पाइसी लवर है हैदराबाद वाले, ये बात तो है। अच्छा मुझे ये बताएं और इस कबाब में क्या खास बात? खास बात ये है कि फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश ही खा लो, अभी मज़ा करता है, अभी मज़ा आता है, जब घर ले जाएंगे बेकार लग जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या कहते हैं फिर, हमें कौन सा टेस्ट करें, हम कबाब वाला टेस्ट करें या विदाउट कबाब वाला? ब्राउन कबाब। अच्छा बन कबाब जो कबाब वो होता है, बन होता है वो, आप बगैर बन वाला वो टेस्ट करें या फिर ऐसी बन के साथ टेस्ट करें? ऐसी खाते हैं हम लोग। अच्छा आप लोग ऐसी खाते हैं? तो फिर बन के साथ टेस्ट किया कभी? साथ में ले जाते हैं, पराठे साथ में खा लेते हैं। अच्छा ये बताएं एशिया का ही सबसे बड़ा बाजार है शाही बाजार, तो ये शाही बाजार में ये अंकल बैठे हुए, तो कम इनको कितने साल हो गए होंगे आपके अंदर? हम तो जब से देख रहे हैं इनको, ये 15 साल तो मैं खाता हुआ आ रहा हूँ। 15 साल से आप खाते हुए आ रहे हैं? अच्छा चले ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे हमारी ऑडियंस को जितनी भी देख रही है कि वो कौन सा टेस्ट करें? टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। हाँ। और इनमें वो नहीं बाजार वाले जैसे आइटम होते हैं ना, कचरा वचरा नहीं है इसके अंदर, फिनिशिंग बहुत है इसके सामान में। चले बहुत शुक्रिया। तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं आदिल भाई, यहाँ के जो है ना ऑनर भी यही है, और इससे मैं पूछता हूँ कितने टाइम से यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरीके से इसको बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये बताएं मुझे चपली बन कबाब जो आप बेच रहे हैं ये जो है कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 20 साल हो गया है। 20 साल हो गया आपको। अच्छा ये जो है ना पूरा हलचल वाला बाजार है, एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है शाही बाजार। तो मुझे ये बताएं ये जो कबाब किस तरीके से बनाते हैं आपके? चपली बन कबाब इसका नाम जो आपने दिया, इसके अलावा भी कोई और कबाब है? चपली बन कबाब एक ही आइटम होता है। एक ही आइटम होता है। अच्छा तो इसमें क्या किस तरीके से बनाते हैं इसको आप चपली बन कबाब? कबाब सादा होता है हमारे पास, ये अभी तो 50 का चल रहा है, 60 का करना है। वैसे 60 का करना है। प्राइस इसकी क्या है? प्राइस अभी 50 ही है जी, पहली तारीख से जो है ना 60 रुपए का, 60 रुपए हो जाएगा, 80 रुपए का बन कबाब। अच्छा और ये जो बन है रेट जो है हमारा 20 रुपए का एक है, एक 20 रुपए का एक है। तो इसके साथ अगर आप कोई लेता है आगे तो कितने रुपए का? 70 का है पहली तारीख से, फिर 80 रुपए का, 80 रुपए का हो जाएगा बन समय। तो वैसे कबाब 60 रुपए का हो जाएगा। अच्छा तो अभी 50 का, ये जो बन समय देते हैं ये 70 रुपए का देते हैं और पहली तारीख के बाद ये 80 रुपए का कर देंगे। अब मैं इनसे पूछता हूँ इसको बनाए कैसे रहे? अच्छा ये जो गूंदते हैं किस तरीके से, ये क्या है इसको जरा मुझे बता। बेसन होता है, प्याज होता है, कीमा होता है और बाकी मसाले वगैरह होते हैं, मसाले वगैरह होते हैं हरी मिर्च ये वगैरह। अच्छा तो ये किस तरीके से इसको आप बनाते हैं? मसाले जो होते हैं वो आपके अपने होते हैं या फिर बाहर साबुत मसाला लेते हैं? खुद अपना खुद अपना पीसते हैं। अच्छा तो इसमें कोई स्पेशल बात बताएं जो जिससे ये टेस्ट आता हो या अट्रैक्ट करती हो, कोई ऐसी चीज है? ये अच्छा, हम खुद पीसते हैं। तो ये अभी जो है ना ये हमें आप बनाकर दिखाएं,
हम टेस्ट करेंगे और अपनी ऑडियंस को भी बताएंगे कि इधर का टेस्ट कैसा है कैसा नहीं, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो भी आके टेस्ट करे, क्योंकि हमारा बेसिकली जो काम है चॉइस फूड और पुरी वालों का नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, फूड को एक्सप्लोर करना। तो हम चाय बाजार आए थे, हमने देखा बन कबाब पे माशाल्लाह रज भी है और अच्छे चल रहे हैं, तो हमने बोला जरूर ये टेस्ट करेंगे और अपनी ऑडियंस को बताएंगे। तो अभी भाई ये तैयार हो रहा है, मैं इनसे पूछूंगा किस तरीके से बनाते हैं, उसके बाद हम तो भाई हमारे भाई आदिल भाई बना रहे हैं, तो इसको मैं देखता हूँ किस तरीके से बना रहे हैं। ये आपने इसमें रख दिया अभी कबाब की, ये ट्राई कर रहे हैं आप, इसमें कितना टाइम लगता है ट्राई करने में? 5 से 7 मिनट लगता है। अच्छा वैसे ये मुझे बताएं इसमें स्पाइसी भी होता होगा और जो नॉन स्पाइसी भी होता है? होता था, तेज मिर्ची होती थी, हमने थोड़ी लो कर दी है। अच्छा अगर कोई बंदा आता जो ज्यादा स्पाइसी नहीं खाता उसके लिए कुछ आपने रखा? उसके लिए नॉर्मल रखी हुई है, और कोई स्पाइसी खाने वाला तो उसके लिए दूसरा कबाब बनाते हैं? एक ही आइटम होता है, लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई आता है चटनी ज्यादा लगवा लेता है। अच्छा चटनी की वजह से भी होता है क्या? और इसमें कबाब में कोई ऐसी स्पाइसी चीज नहीं है? अच्छा और इसमें कितना टाइम लगता है तलने में? 5 से 7 मिनट लगते हैं। टोटल टाइम पीरियड क्या है, कितनी देर लगती है आपको, और कितने माशाल्लाह दिन में सेल आप बना लेते हैं इसको, या सेल हो जाती है? इस सेल तो खैर नहीं, बट ये मुझे बताएंगे कितने दिन में बना लेते हैं आप कबाब? अच्छा काम हो जाता है, चले ठीक है। और अच्छा मुझे ये बताएं आप जो ये वाला जो ये कबाब है, ये वाला बेसिकली चपली कबाब जो होता है लंबा होता है, आपको ये गोल कबाब है और बन में दे रहे हैं, इसका थोड़ा थोड़ा बताएं। चपली कबाब जो वैसे ओरिजिनल डिश जो है ये पेशावर कोयटा, हाँ हाँ पठानों की, वही मैंने बोला ओरिजिनल चपली कबाब वही है, बाकी इसको नाम दिया हुआ है लोग टिकिया भी बोलते हैं, टिकिया भी बोलते हैं, लेकिन हमारा गोल आपने चपली कबाब इसका नाम जो रखा, मैं उसलिए पूछ रहा हूँ, चपली कबाब जो होता है वो लंबा होता है, क्योंकि हमने उसकी पहली वीडियो बना चुकी है। अच्छा ओरिजिनल वाला यही है? नहीं वाला लंबा वाला, लंबा वाला होता है, तो इसमें आपने इसका नाम चपली कबाब दिया हुआ है, गोल कबाब जितने शहर में हर अलग डिश है। अच्छा अलग अलग डिश है बिल्कुल। तो भाई जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे माशाल्लाह रश रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बाजार जो है ना बहुत बड़ा बाजार है, और फिर माशाल्लाह यहाँ पे लोग आ रहे हैं और खा के जा रहे हैं। अभी हमारा भी ज़रा तैयार हो रहा है, हम इसको भी टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे, और यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे भी पूछेंगे कि वो यहाँ का मतलब यहाँ के कबाब कब से खाने आ रहे हैं और कितना टाइम हो गया उनको आते हुए, सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, जैसे हर वीडियो में दिखाते हैं। अभी फ्राई हो रहा है भाई, अच्छा ये जो ऊपर ये जो मसाला चमक रहा है ये गरम मसाला ही क्या है ये ऊपर? साबुत धनिया, साबुत धनिया मसाला, मिर्ची के बीज वगैरह। अच्छा तो ये अलग से नजर आ रहा चमकता हुआ, तो ये जो है इसका साबुत धनिया ही है? सही भाई, जैसे ये मैं आपको बताऊँ की अभी ये तैयार हो रहा है, उसके बाद हम बन से भी टेस्ट करेंगे और ब्राउन बन भी टेस्ट करेंगे और फिर आपको रिव्यू देंगे। तो भाई अब हमारा जो है ना ये तैयार हो गया, फ्राई हो रहा था, अब ये बन में इसको ऐड करेंगे और फिर हमें जो है ना ये देंगे। अच्छा ये रेडी हो रहा है, ये अभी फ्राई हो रहा है? रेडी। फ्राई में कितनी देर बचाई है, इसमें कितना टाइम लगता है? 7 से 8 मिनट 7 से 8 मिनट लगता है, क्योंकि कच्चा होता है इसका मसाला, कच्चा होता है मसाला इसलिए। अच्छा तो अभी ये बन में आप देंगे, हमें बन में डाल के? ये बन में भी दे दूंगा, उसके अलावा भी दीजिएगा, ताकि हम दोनों जगह टेस्ट करके बताएंगे ऑडियंस, क्योंकि अभी मैंने जो रिव्यू लिया ना उन्होंने ये कहा कि हम जो है ना बगैर बन के खाते हैं और बन के साथ भी खाते हैं, दोनों मतलब बगैर बन के खाते तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम आपको प्रूव भी करिए ऑनेस्टली कि हम जो है ना जो रिव्यू होता है वही रिव्यू देते हैं। ठीक है अभी ये रेडी हो रहा है, इसको चटनी वगैरह डालते हैं आप अलग से? दे रहा हूं। अच्छा चटनी का जरा बताएं कौन सी चटनी है आपके पास? चटनी पुदीने वाली होती है, पुदीना इमली। अच्छा वो घर में ही बनाते हैं आप चटनी? सही। तो ये भाई इन्होंने प्याज वगैरह डाल दिए, अभी चटनी डालेंगे और फिर जो है ना हमें देंगे और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। ये चटनी है, ये अंदर भी ऐड होती है, सिर्फ बाहर से इसको लोग खाते हैं चटनी को? ये हो गया तैयार, तो भाई देख सकते हैं आप ये अलग से जो हमारा एक इन्होंने अलग से दिया, बन में नहीं दिया, ये सब हमारा कबाब रेडी हो चुका है, ऊपर बन भी रखा है, प्याज इन्होंने दिए, कबाब दिया है और चटनी दी है, तो इन्होंने सारी चीजें जो है ना साइड करिया में दे दी है। ये एक अलग से बन वाला है, जो अलग वो बन वाला भी बन रहा है हमारा, ये बन चुका है, ये तो बन चुका है, अब हम दोनों जब बन जाए उसके बाद दोनों ही टेस्ट करेंगे, ये हम अभी यहाँ रखे। अच्छा वो वाला जो है वो ये भाई ये, अच्छा इसमें आपने ऐड करा हुआ अंदर कबाब? सही। तो भाई देखें ये दूसरा, ये हमारा जो विदाउट वाला था वो आपने देख लिया, बन वाला और इसने बन, ठीक है ये देख सकते हैं आप, इन्होंने जो है ना बन के अंदर कबाब लगाया हुआ है और प्याज वगैरह लगाई हुई है, देख सकते हैं। ठीक है तो भाई अब ये हो चुका है तैयार, अब हम इसको टेस्ट करेंगे और आपको रिव्यू देंगे, तो फिर चले टेस्ट करते हैं। तो भाई पहले हम करते हैं बन वाला टेस्ट, जिसमें इन्होंने बन लगाया हुआ, अब ये देखें
ऊपर जो है ना इन्होंने ऑयल से बकायदा बन को भी फ्राई किया हुआ, ये देख सकते हैं इन्होंने ऑयल से बन को, और ये अंदर प्याज है और ये कबाब लगा हुआ है। चपली कबाब जो ही कह रहे हैं कि चपली कबाब पर नीचे तो क्योंकि चपली कबाब जो होता है वो तो एक लंबा वाला होता है, वो एक पठानी स्टाइल कोयता वगैरह में मिलता है, बट इसका नाम भी चपली कबाब ही इन्होंने रखा है और ये बन के साथ गया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। देखिए ये इनकी चटनी है, ये जो है ना ग्रीन चटनी है, ये इमली वगैरह की इन्होंने बताया कि हम बनाते हैं घर में ही, तो ये वो इनकी चटनी है। अब हम जो इसको टेस्ट करेंगे और फिर आपको बताएंगे लगाया हमने चटनी का। बेहतरीन, बहुत जबरदस्त है। इसमें जो मुझे टेस्ट आ रहा है सही बताऊं, एक तो इनकी चटनी बहुत जबरदस्त है, उनमें बहुत खट्टाई है, चटनी में बहुत खट्टाई है, चटनी बहुत अच्छी है, ऊपर से जो कबाब है ना बहुत ज्यादा फ्रेश है, बहुत ज्यादा, और प्याज वगैरह से लगता है इसका टेस्ट आ रहा है, बेहतरीन हुआ है। और मैं कहता हूँ कि इसमें जो एक गरम मसाला जो होता है ना वो ज़्यादा है इसमें ऐड हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा वो स्पाइसी हो रहा है या टेस्ट बिल्कुल चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले भी हमने चपली कबाब टेस्ट किया है, ये हमने दूसरा टेस्ट किया। अब हम करते हैं नॉर्मल जो बन कबाब थे नहीं बगैर बन कबाब से वो ट्राई करते, तो भाई वो ये रहा देखिए, ये देखिए ऊपर इन्होंने मसाला जीरा वगैरह सारी चीज़ें लगाई हुई कबाब। अब इसको तोड़ कर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तो क्रिस्पी आ रहा है ना अपन इस बेहतरीन है, बन के साथ मुझे ज्यादा मजा आया, तो इसको 80 मार्क्स दूंगा मैं इसको 100, क्योंकि जो है ना बन के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, लग इसके साथ भी अच्छा रहा है बट ये क्रिस्पी है और बन के साथ तो एक अलग ही टेस्ट आ रहा है, और सबसे अच्छी बात चटनी बहुत अच्छी है। तो मैं चाहूँगा कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो लाजमी आए और टेस्ट करे, ये बिल्कुल जो है ना ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है शाही बाज़ार, इसके बिल्कुल बीच में ही ये बैठे हैं और इनको कोई 20 साल या 25 बाज़ार है, इनमें 15-20 साल इनको हो गए, बहुत टाइम हो गया, तो यहाँ रश बहुत होता है, हलचल लगी हुई, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आएँ और ज़रूर टेस्ट करें। अगर हमारी वीडियो आपको ये पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वो जो बेल आइकन का बटन नजर आ रहा है वो आपको लाजमी दबाना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप समझते हैं कि आपके खाने के बारे में अगर हमें पब्लिक को बताना हो, वो किसी भी तरीके का होटल या रेस्टोरेंट या स्टॉल या ठेला कोई भी हो, तो आप हमारी वीडियो के कमेंट में हमें बताएं, हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं ताकि हम आपके खाने के बारे में लोगों को बताएं और खुद भी टेस्ट करके बताएं कि वो आपका खाना कैसा है कैसा नहीं है, उसका टेस्ट कैसा है और कैसा नहीं है। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।